हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सो आज हमेशा की तरह मैं इंट्रो बनाना भूल गई थी। आज का दिन इतना हैक्टिक था ना, मैं क्या बताऊँ। सबसे पहले मैंने उठते साथ ही नाश्ता किया एंड उसके बाद जूस पी के हम लोग फ़ौरन निकल के थे रेडी हुए, क्योंकि मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। तो हम लोग से भूल जाएगा रस्ते का भी कोई भी लोग वगैरह शूट नहीं कर पाई। सो गाइस, टाइम था 2:04, ठीक है। और हम कब के आए? 2 बजे के आ चुके हैं। अब 3 बजे डॉक्टर ने माशाल्लाह हाजिरी लगाई और 10 मिनट हो गए उनको आए हुए। कोई पेशेंट उन्होंने अंदर नहीं बुलाया। मुझे लग रहा है वो टिकटॉक्स बना रहे हैं, यूट्यूब वीडियोज़ बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मतलब टाइम हो गया 3:55, ठीक है। और अभी तक डॉक्टर नहीं आए। मतलब सीरियसली इतने पेशेंट्स आ चुके हैं, इतने पेशेंट ज़्यादा आ चुके हैं, ठीक है। और अभी तक उन डॉक्टर को फिक्र ही नहीं। मैं तो कहा काउंटर पर जाकर पूछ लिया होगा कि कोई डॉक्टर का एक्सीडेंट वैक्सीडेंट तो नहीं हो गया। ज़्यादा सीरियस सीरियस लोग आए हैं, ठीक है। मैं तो फिर नॉर्मल से चेकअप कराने आई हूँ, क्योंकि बाकी इतने सीरियस सीरियस लोग आए, वो डॉक्टर आए, इनको कोई फिक्र ही नहीं है। ऊपर से आप देखें, मैं ईजी होकर बैठ के बिल्कुल थक के वेट कर रही हूँ। ऊपर से बेसिकली नेट भी नहीं आ रहा, मतलब अजीब हो चुके हैं। डॉक्टर ने फाइनली हाजिरी लगा ली है, अब आ गया वो, ठीक है। माशाल्लाह 4 बजे जब टाइम एंड हो रहा है, मतलब कितने स्केड्यूल के पक्के थे, उन्हें आना ही 4 बजे तो आना था। सो गाइस, हम लोग डॉक्टर के पास से हुआ है, ठीक है, एंड मेडिकल स्टोर भी हुआ है। पता क्या सीन हुआ, डॉक्टर ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं है, ठीक है। बस उन्होंने एक बात पूछी कि क्या मसला, कहाँ दर्द, उन्होंने मेडिसिन लिख दिया, अब आ गया। तुम्हारी नहीं सुननी मैंने, मैं डॉक्टर तुम नहीं हो। मेरे साथ ऐसा सीन हुआ, इतनी बातें सोची हुई थी गाइज। उसके बाद मैंने नींबू पानी पिया, मतलब मामा ने पिया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग वापसी के लिए निकल के रास्ते में मैंने वीडियो कोई नहीं बनाई, ठीक है। उसके बाद घर आते साथ मैंने फ्रूट्स खाए। तो गाइज, हम लोग कब के घर आ चुके थे एंड अब बज रहे 6:15 और 6:15 पर लाइट चली जाती है, तब हम जाने लगे हम प्याज ग्रोसरी वगैरह करनी है। सो लेट्स गो। कैमरा लाऊंगी फिर भी, देखिए मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से बना रही हूँ, उन्होंने लड़कियों ने नज़र रखी है मुझ पर कोई। गाइस, मैं बहुत थक चुकी हूँ, ठीक है। एंड 7 o'clock हो गए, हमने वापसी का टाइम दिया 7:30 का और हमारी अभी आधी ग्रोसरी हुई है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, एक ट्रॉली हुई है, मतलब एक ट्रॉली और पकड़नी पड़ी हुई। मेरा सर इतना शदीद वाला दर्द है, क्या बताऊँ मैं, ठीक है। मतलब सो गाइस, फिर हम हमेशा की तरह वेट करते रहे लिफ्ट करके, इतना रश होता है लिफ्ट के आगे। लिफ्ट से अजीब है, जहाँ हम खड़े होते ना वो लिफ्ट नहीं आती, ठीक है। हमें फिर दूसरी जगह जाना पड़ता है, पता नहीं क्यों समझ नहीं आई आज तक ये, ठीक है। फिर फाइनली हमें जगह मिली गई थी, उसके बाद मामा दूसरी जगह चली गई थी और मैं काउंटर पर बिल वगैरह पे कर रही थी। बड़ा मज़ा आता है लेकिन अजीब भी लगता है, अंकल के सामने कैमरा ऑन किया करो, अंकल की नज़र मुझ पर पड़ती हो, कहते कैमरा लो नहीं बेटा, लेकिन मैं कर नहीं पाई शूट वहाँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग वापसी के लिए निकल गए। 1 मिनट का रास्ता था और ये रास्ते में चांद, मतलब मैं नज़र आई मुझे, मैं बड़ी खुश होती चांद को देखे, खुद को देखे, मतलब ठीक है। उसके बाद अलहमदिल्ला मैं देख रही हूँ सारी ग्रोसरी वगैरह कम्प्लीट हुई। सो गाइस, हम लोग ग्रोसरी करके आ चुके हैं, अलहमदिल्ला सारी ग्रोसरी हो चुकी है और मैं बहुत थक चुकी हूँ एंड मैं चेंज करके वापस मिलती हूँ। सो गाइस, फाइनली मैंने हाफ सफाई अभी कर ली और हाफ बाकी कल की रुकी। देखिए, एक जोड़ कर ली, अभी पूरी नहीं हुई, ठीक है, और ये दूसरी वाली पूरी हो गई, ठीक है। लेकिन अभी मैंने बाहर से नहीं साफ की, बाकी किचन में मैंने भी कर ली है एंड बाकी मैं कल काम करूँगी, बॉटल जमीने पड़नी है। अब मैं खाना खाने लगी हूँ। सो गाइस, मैंने आपको एक और चीज़ दिखा दी, देखिए वॉल, मैंने एक वॉल डेकोरेट किया, इसके नीचे मैंने गिटार रखा हुआ और सामने ये दो अमीन ने पिक्चर्स बनाई, इसमें हम दोनों की मेहनत है और ये मतलब इतनी प्यारी लगती है। आप तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लग रही है। सो गाइस, अब बच गई है रात की 10 एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। खाना वगैरह खा लिया, मैंने खाना भी मुझे सही नहीं खाया गया, ठीक है। मैं बाद में फिर लेट नाइट खा लूँगी एंड आज का व्लॉग तो यही, तो खोप के कुछ अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड जल्दी 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 से मेरे 6K करो। मैंने इंस्टा पर स्टोरी लगाई थी कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो सारे 6K करो, मैं बड़ी खुशी हूँ और मेरा दिल कर रहा है कि अल्लाह करे ऐसा ही हो कि 14 सितंबर तक मेरे 6K हो जाए, ताकि मैं इकट्ठे ही दोनों सेलिब्रेशन करूँगी। 3 ईयर्स भी हो गए यूट्यूब पे एंड 6K भी हो गए मेरे, ठीक है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें एंड जल्दी जल्दी 6K कराए मेरे एंड मुझे इंस्टा पर फॉलो करें और मुझे टिकटॉक पर फॉलो करें। आप लोग नहीं करते करो फॉलो, प्लीज़ फॉलो करो और इस वीडियो को लाइक करना। ओके, लव यू ऑल।